जी मीट पोर्टल के दर्शकों नमस्कार दोस्तों, गंगा पुष्पली के हाईसाइकिलिंग मैदान से कल विशाल कलश यात्रा निकलने वाली दर्शकों, यहाँ से हाईसाइकिलिंग मैदान से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और टेंट लगने की तैयारी चल रही है और टेंट वालों से पूछेंगे क्या क्या व्यवस्था चल रही है यहाँ पर इनकी टेंट वालों की, और वो भी हम आपको बात करेंगे और टेंट का सामान आना चालू हो गया है दर्शकों। गंगा पुष्पली के हाईसाइकिलिंग के मैदान से जो दर्शकों 11,000 कलश यात्रा की यात्रा विशाल कलश यात्रा निकलने वाली है और ऐतिहासिक कलश यात्रा होगी गंगा पुष्पली में पहली बार, वो भी हम आपको अब दिखाएंगे और देखना तैयारी चल रही है। टेंट का सामान आना शुरू हो चुका है और टेंट वाले भैया से पूछेंगे सर क्या व्यवस्था है चल रही है आपकी टेंट की। पूरी व्यवस्था चल रही है, पूरे ग्राउंड में मैटिंग बिछेगी, गेट लगेंगे दोनों बाप है, स्टेज बनेगी, बैरिकेडिंग होगी, काउंटर बनेंगे। काउंटर कितने करें? बारह काउंटर बनाए गए हैं कलश वितरण करने के लिए और पूरे ग्राउंड में मैटिंग देख रहे हैं, पूरे ग्राउंड के अंदर ये देख रहे हैं पूरा का हाईसाइकिलिंग का मैदान पूरा का पूरा इस पर मैटिंग बिछाई जाएगी, पूरी मैटिंग बिछाई जाएगी और कलश आना प्रारंभ हो गए, कलश सुबह आएंगे, कल सुबह यहाँ पर आ जाएंगे और जल्दी, और हमारा सभी जो कलश यात्रा में भाग लेने वाले हैं 9:30 से पहले वो पहुँच जाएँ क्योंकि 10 बजे रवाना हो जाएगी। देख रहे हैं हाईसाइकिलिंग के मैदान से यहाँ से आपको कलश यहीं से मिलेंगे, यहाँ देख रहे हैं जो मैदान है ये ग्राउंड जहाँ परेड 26 जनवरी की तैयारी चलती है, झंडा रोहण होता है, वहीं से ही आपको कलश जो 26 जनवरी का जो हाईसाइकिलिंग का झंडा रोहण भी होता है वहीं से ही आपको कलश यात्रा का वितरण किया जाएगा मैदान से, और व्यवस्था पूरी आपकी पूरी व्यवस्था टेंट वाले भैया की तरफ से चल रही है। आप देख रहे हैं काम, टेंट का सामान आना शुरू हो चुका है और यहाँ पे काउंटर बनाए जाएंगे और पूरे के पूरे ग्राउंड के अंदर आप देख रहे हैं पूरे ये गंगा पुष्पली के हाईसाइकिलिंग मैदान पर पूरे पे मैटिंग बिछाई जाएगी और तैयारी चल रही है कलश यात्रा की भव्य तैयारी। 11,000 कलश यात्रा होंगे शामिल और देख रहे पूरे ग्राउंड में मैटिंग बिछेगी, ये मैटिंग भी आ चुकी है, यहाँ से दर्शकों आप देख रहे हैं हाईसाइकिलिंग मैदान से कलश यात्रा विशाल कलश यात्रा कल प्रारंभ होगी और 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी और तैयारी चल रही है पूरी तरह से, आप देख सकते हो बराबर और दर्शकों यहाँ पर देख रहे हैं कलश कल यहाँ पर वितरित किए जाएंगे और 11,000 कलश यात्रा के साथ विशाल कलश यात्रा यहाँ से रवाना होगी और उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पर। और 26 जनवरी की भी दर्शकों 26 जनवरी की भी यहाँ पर तैयारी चल रही है, देख रहे हैं 26 जनवरी की भी यहाँ पर तैयारी चल रही है यहाँ पर, और जिला लेवल का दर्शकों हाईसाइकिलिंग के मैदान पर 26 जनवरी का दिवस मनाया जाएगा धूमधाम से, यहाँ पर इसकी तैयारी चल रही है चलो। 26 जनवरी की तैयारी चल रही है धूमधाम से यहाँ पर, आप देख रहे हो NCC की परेड के भैया और इधर चल रही है दर्शकों 22 जनवरी की प्रोग्राम की तैयारी, यहाँ पर कलश यात्रा की तैयारी चल रही है 20 जनवरी की, दर्शकों कल की तैयारी
जो विशाल कल कलश यात्रा निकलने वाली है यहाँ पर गंगापुर सिटी के हाई सेकेंडरी मैदान से, दर्शकों कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी, आप देख रहे हैं, और इसी की तैयारी चल रही है कलश यात्रा की यहाँ पर बराबर तैयारी में जुटे हुए हैं। और यहाँ पर जो कलश वितरित किया जाएंगे उनके काउंटर बनाए जा रहे हैं। देख रहे हैं दर्शकों गंगापुर से लेकर हाई सेकेंडरी के मैदान से हम आपको दिखा रहे हैं, और जो कलश यात्रा जो निकलने वाली है हाई सेकेंडरी के मैदान से, उसी की तैयारी चल रही है। और कल यहां पर 10 बजे विशाल 11,000 कलशों के साथ में, दर्शकों 11,000 कलशों के साथ में एक विशाल कलश यात्रा रवाना होगी यहाँ पर, और इसी की तैयारी धूमधाम से यहाँ पर चल रही है हाई सेकेंडरी के मैदान पर। दर्शकों कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी भाग लेने हैं कलश यात्रा में, जो भाग लेने वाली महिलाएं, हमारा निवेदन है 9:30 बजे से पहले पहुंच जाए, वे 10 बजे रवाना कर दी जाएगी। अभी सभापति महोदय से बात हुई थी, और उन्होंने भी 10 बजे रवाना होने की बात कही है। कमेंट करें दर्शकों, शेयर करें। और कलश यात्रा की तैयारी करते हुए टेंट वाले भाई, और यहाँ पर देख रहे हैं हाई सेकेंडरी के मैदान पर, दर्शकों कल एक विशाल कलश यात्रा यहाँ से निकलने वाली है।